गगनचुंबी इमारतों में जबरदस्त विस्फोट, हड़हड़ाकर गिरे दो टावर्स, उठा गुबार और 9 सेकंड में दो इमारतें तबाह। सुपरटेक ट्विन टावर्स का काम तमाम हो गया है। 3700 किलो विस्फोटक से ये दो इमारतें सिर्फ 9 सेकंड के भीतर मलबे में तब्दील हो गई हैं। रविवार दोपहर विस्फोटकों के जबरदस्त धमाकों से नोएडा दलक उठा। यहां सेक्टर 93 में सुपरटेक बिल्डर्स की दो इमारतों को कुछ ही क्षणों में तबाह कर दिया गया। इमारतों की तबाही का ये मंजर देखने के लिए इमारतों से सुरक्षित दूरी पर लोगों का मजमा देखा गया। जिस समय ये दोनों इमारतें हड़हड़ाकर ढह रही थीं, लोग इन पलों को हैरानगी भरी निगाहों से देख रहे थे। साथ ही वे ये भी देख रहे थे कि जब नियमों को ताक पर रखा जाता है तो उसकी परिणति क्या होती है। इन इमारतों का इस तरीके से ढहाया जाना किसी के लिए हैरानी वाला क्षण था, किसी के लिए कौतूहल का विषय था, तो कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए ये विजय प्राप्ति का एहसास था। इन दो इमारतों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। इसके लिए सोसाइटी के लोगों ने 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। टावर्स को तोड़ने के आदेश इसलिए दिए गए क्योंकि ये एक अवैध कंस्ट्रक्शन था। यह कंस्ट्रक्शन सुपरटेक बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से किया गया था। जिस जमीन पर दोनों टावर्स बनाए गए थे वो जगह दरअसल ग्रीन एरिया में आता है जहां पार्क बनाया जाना था। हालांकि जमीन सुपरटेक की ही थी, लेकिन पार्क वाली जगह पर अवैध तरीके से दोनों टावर्स खड़े कर दिए गए थे। दरअसल साल 2004 में सेक्टर 93A नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का काम प्रस्तावित हुआ था, जिसके लिए नोएडा के अधिकारियों ने 48,263 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया था। साल 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा ने सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट परियोजना के लिए भवन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत कुल 9 मंजिलों के साथ 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उसी साल नवंबर में सुपरटेक लिमिटेड ने एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। साल 2006 जून में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। दरअसल सुपरटेक को लीज पर 6,556.51 वर्ग मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया गया, जिससे कुल लीज क्षेत्र 54,819.15 वर्ग मीटर हो गया। जबकि साल 2009 में एमराल्ड कोर्ट के लिए पहली संशोधित योजना को मंजूरी दी गई थी। मंजिलों की संख्या भी 9 से बढ़ाकर 11 करने की अनुमति दे दी गई थी। दो अतिरिक्त टावर T15, T16 और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी गई। लेकिन फिर उसी साल यानी 2009 में इसका विरोध होना शुरू हुआ। साल 2009 में फ्लैट खरीदने वालों ने RWA बनाया, जिसके बाद दोनों टावर्स का विरोध होना शुरू हुआ क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां दो विशालकाय टावर खड़े हो रहे थे। ये पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचे जहां सुनवाई नहीं हुई। साल 2012 में एमराल्ड कोर्ट RWA ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 1.5 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और 2014 में इसे अवैध मानते हुए इन्हें गिराने का आदेश दे दिया गया। इसे बचाने के लिए साल 2021 में सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए 31 अगस्त 2021 को फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि इन इमारतों को पिछले साल ही गिराया जाना था, लेकिन व्यवस्था पूरी ना होने की वजह से ढहाए जाने का काम आगे बढ़ा दिया गया। अब आखिरकार ये दोनों गगनचुंबी इमारतें विस्फोटकों के जोरदार धमाकों के साथ मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।